देखिए जो घटना घटी है हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक सभ्य समाज में कहीं पर भी वायलेंस की और इस प्रकार के हमलों की कोई जगह नहीं है। परमात्मा का शुक्र है कि सुखबीर बादल जी को खरोंच भी नहीं आई और वे बच गए। मैं इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौके पर मौका वारदात पर उस शख्स को जिसने हमला किया उसे पकड़ा और सुखबीर बादल जी को बचाया। इसके तमाम पहलुओं पर पंजाब पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उसके बारे में पंजाब पुलिस आपसे चर्चा करेगी। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े। देखिए मैंने बड़ा संवेदनशील मामला है, मैं इस पे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है ये तो पंजाब पुलिस ने ही एक सक्सेसफुल मैं कहूं स्ट्रेटेजी के तहत बचाया और ये इंश्योर किया कि उनको खरोंच भी ना आए। तो मैं तो बल्कि पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए जो घटना घटी है हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक सभ्य समाज में कहीं पर भी वायलेंस की और इस प्रकार के हमलों की कोई जगह नहीं है। परमात्मा का शुक्र है कि सुखबीर बादल जी को खरोंच भी नहीं आई और वे बच गए। मैं इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौके पर मौका वारदात पर उस शख्स को जिसने हमला किया उसे पकड़ा और सुखबीर बादल जी को बचाया। इसके तमाम पहलुओं पर पंजाब पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उसके बारे में पंजाब पुलिस आपसे चर्चा करेगी। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े। देखिए मैंने बड़ा संवेदनशील मामला है, मैं इस पे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है ये तो पंजाब पुलिस ने ही एक सक्सेसफुल मैं कहूं स्ट्रेटेजी के तहत बचाया और ये इंश्योर किया कि उनको खरोंच भी ना आए। तो मैं तो बल्कि पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए जो घटना घटी है हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक सभ्य समाज में कहीं पर भी वायलेंस की और इस प्रकार के हमलों की कोई जगह नहीं है। परमात्मा का शुक्र है कि सुखबीर बादल जी को खरोंच भी नहीं आई और वे बच गए। मैं इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौके पर मौका वारदात पर उस शख्स को जिसने हमला किया उसे पकड़ा और सुखबीर बादल जी को बचाया। इसके तमाम पहलुओं पर पंजाब पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उसके बारे में पंजाब पुलिस आपसे चर्चा करेगी। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े। देखिए मैंने बड़ा संवेदनशील मामला है, मैं इस पे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है ये तो पंजाब पुलिस ने ही एक सक्सेसफुल मैं कहूं स्ट्रेटेजी के तहत बचाया और ये इंश्योर किया कि उनको खरोंच भी ना आए। तो मैं तो बल्कि पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं।